या तो रखे सारा अभिमान। इसे दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। स्वास्थ्य विभाग में NHM के तहत कार्यरत लगभग 1700 अनुबंध कर्मचारी इन दिनों अपनी मांगों को लेकर सरकार पर पूरा दबाव बनाए हुए हैं। ठोस नीति व नियमितीकरण की मांग को लेकर इन कर्मचारियों ने सरकार को 26 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया था, परंतु सरकार ने NHM के हित में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की है। इसके विरोध में प्रदेश सहित मंडी में सभी NHM कर्मचारी आज से अपने कंधों पर काले बिल्ले लगाकर ड्यूटी दे रहे हैं और 2 फरवरी को पूरे दिन की सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। उसके बाद इस आंदोलन को और तेज व कड़ा करने की योजना है। नवनीत गुलेरिया, महासचिव स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ जिला मंडी ने बताया, प्रदेश के सभी NHM कर्मचारी 27 जनवरी से रोजाना काले बिल्ले लगा के कार्यस्थल में रोष प्रकट करते हुए कार्य करेंगे और 2 फरवरी को अब तो आंखें खोलो सरकार के नारे को लेकर सांकेतिक हड़ताल करेंगे। साथ ही नवनीत गुलेरिया ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य समिति में लगे NHM के 1700 कर्मचारियों के सब्र का इम्तिहान लेना बंद करें, अन्यथा सभी कर्मचारी आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। नमस्कार, नवनीत गुलेरिया, महासचिव राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ जिला मंडी हिमाचल प्रदेश। आज मैं जैसा कि आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारे NHM कर्मियों ने काले बिल्ले लगा के सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया, क्योंकि हमारी प्रदेश कार्यकारिणी ने 26 तारीख तक का टाइम प्रदेश सरकार को दिया था कि स्थायी वेतनमान और स्थायी नीति निर्धारण हमारे कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार करे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। इसीलिए आज से हमारे जितने भी प्रदेश भर के सभी स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत लगे हुए कर्मचारी हैं, वो काले बिल्ले लगाकर प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाली 2 तारीख को अब तो आंखें खोलो सरकार नारे के साथ हड़ताल पे हम लोग सभी NHM के कर्मी जा रहे हैं। और हम प्रदेश सरकार से एक बार दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द हमारे लिए स्थायी वेतनमान और स्थायी नीति निर्धारण करे, उसकी नोटिफिकेशन बकायदा जारी करे, और ताकि हमारे कर्मचारियों को जो कई वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे हैं उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। धन्यवाद।